हेलो फ्रेंड्स, मैं सी अपनी जैन आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये आरसीएम क्या होता है, कब अप्लाई होता है, किस तरह से हमें अप्लाई करना होता है, इसमें इनवॉइस किस तरह से बनाना होता है, क्या क्या सर्विसेज हैं, क्या रेट्स लगते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को पूरा आपको एंड तक देखना है, वीडियो काफ़ी शॉर्ट में रहेगा। इसमें आरसीएम की आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी इस वीडियो के अंडर में, फिर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, कब ये अप्लाइड होता है। इसका कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल सिंपल है। गवर्नमेंट ने कहा है कि जब, ध्यान से सुनिएगा, जब हम जीएसटी को चार्ज करने की लायबिलिटी सर्विस रिसीवर के ऊपर, या फिर यहाँ पर हम सर्विस भी यूज करेंगे, गुड्स भी यूज करेंगे, तो सप्लायर, तो मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ रिसिपिटेंट, मतलब रिसिपिटेंट ऑफ गुड्स या सर्विस, ये गुड्स के केस में भी अप्लाइड होता है एंड सर्विस के केस में भी अप्लाइड होता है। तो एज ए रिसिपिटेंट, मतलब जब आप रिसिपिटेंट, एज एन रिसिपिटेंट कोई भी गुड्स या सर्विस लेते हैं। अब ये वो कौन कौन सी गुड्स या सर्विस है जो कि लिस्टेड है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट ये समझ लीजिए, जब हम आरसीएम की बात करेंगे तो एज ए रिसीवर आपको पे करना होता है जीएसटी। अब ये जीएसटी जो आपने पे किया है, इसका आपको, ध्यान से सुनिएगा, इसका आपको आईटीसी भी मिल जाता है विदिन सेम मंथ। जिस मंथ में आपने ये पे किया है उसी मंथ में आपको ये एज एन इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। तो अब क्वेश्चन याद क्या आता है कि सर, गवर्नमेंट पहले हमसे पे करा रही है टैक्स और फिर उसके बाद उसका मैं क्रेडिट भी दे रही है, तो उससे गवर्नमेंट को क्या फायदा मिल रहा है। पहले आप ये कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या किया है, कुछ ऐसी सर्विसेज को या गुड्स को नोटिफाई किया है जहां पर उनको लगता है कि रेवेन्यू लीकेज हो सकता है जीएसटी के रिगार्डिंग। मतलब वो पर्सन, अगर उनके ऊपर ये लायबिलिटी हम एक तरह से एनफोर्स करेंगे या फिर लेवी करेंगे, तो हो सकता है कि वो जीएसटी जमा ना कराएं, और उसी पर्पज के लिए यहां पर जो रिसीवर है, मतलब उस सप्लायर से, सप्लायर ऑफ गुड्स या सर्विस, उससे जो पर्सन ये गुड्स या सर्विस रिसीव कर रहा है उसके ऊपर ही लायबिलिटी डाल दी कि सर आप ही इसको चार्ज करें जीएसटी को और आप ही इसको जमा कराएं, आपको एज सच कोई भी नुकसान नहीं है, आपको आईटीसी हैंड टू हैंड मिल रहा है। बट अगर आप ये रूल फॉलो नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपने जीएसटी के जो सेक्शन है, सेक्शन 9 में उसके सबसेक्शन 3, 4, 5, उसको आपने फॉलो नहीं किया है। जब आप इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपके ऊपर लायबिलिटी आती है 100% तक का जीएसटी प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी भी आपके ऊपर लग सकती है। तो पेनल्टी, इंटरेस्ट और जीएसटी से बचने के लिए बेटर है कि आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के कॉन्सेप्ट को फॉलो करें, और इसके अंडर में जो जो भी सर्विसेज या गुड्स नोटिफाइड हो चुके हैं उसको आप देख लीजिए कि क्या आपके बिजनेस में एज ए रिसीवर आप वो गुड्स या सर्विस रिसीव कर रहे हैं या नहीं। यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर देता हूँ, बिजनेस एंटिटी ये वर्ड आप लेके चलिएगा। हालांकि कुछ सर्विस के केस में बिजनेस एंटिटी वर्ड ना लिख के बॉडी कॉर्पोरेट या फिर पार्टनरशिप फर्म भी लिखा गया है, बट मोर और लेस बिजनेस एंटिटी होना जरूरी है। जब आप एज एन बिजनेस एंटिटी ये गुड्स या सर्विस रिसीव कर रहे होंगे तभी आपको आरसीएम देना है। नॉर्मल टैक्सेबल सप्लाई में तो सप्लायर देता है, यहाँ पर आपको एज एन रिसीवर आपको जीएसटी चार्ज करना है, और इसी को ही हम बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जहां पर सप्लायर पे नहीं करेगा, आप रिसीवर है, आप ही पे करेंगे, आपकी लायबिलिटी आएगी पे करने की एज एन रिसिपिटेंट, और फिर उसका आपको रिसिपिटेंट के रूप में आपको आईटीसी भी मिल जाएगा सेम टैक्स अमाउंट का जो कि आप पे कर रहे होंगे। क्योंकि कुछ केस में गवर्नमेंट ने यह भी छूट दिया, जैसे जीटीए की सर्विस की हम बात करें, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, उसमें 5% भी टैक्स लगता है, 12% भी लगता है, तो उसके भी रूल्स हैं कि विद आईटीसी विदाउट आईटीसी, तो वो आपको यहाँ पर क्रेडिट मिलेगा। वो जो रूल्स बनाए गए हैं वो जीटीए के लिए बनाए गए हैं, आपके लिए नहीं है। आप 5 करें 12 करें आपको पूरा मिलेगा जितना आपने पे किया है, ठीक है। तो ये वाला आपने वर्ड यूज करके चलेंगे हम, यहाँ पर बिजनेस हमारा मेन है या फिर बिजनेस के लिए हम यूज कर रहे होंगे, मतलब पर्सनल सर्विस या गुड्स के लिए ये आरसीएम भी अप्लाइड नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर गुड्स या सर्विस जो कि नोटिफाइड हुई है वो मैं एक बार यहाँ पर डिस्कस करूंगा, थोड़ा लिस्ट है एक ब्रीफली हम इसको देख लेते हैं। बट ये कोई
कंप्लीट लिस्ट नहीं है, आपको एक्ट के अंदर में जाकर एक बार चेक करना पड़ेगा। हालांकि मैंने इसको काफी वाइडली तरीके से कवरेज किया है, फिर भी इस कवरेज में अगर कोई चीजें रह जाती हैं तो फिर आपको इसी कंप्लीट लिस्ट सेक्शन के अंडर में ही मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो इसकी जो एप्लीकेबिलिटी आती है उसके अंडर में जो डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिफाइड है क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन एंड कैटेगरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसके केस में जो रिसीवर है, सप्लाई को रिसीव करने वाला पर्सन है, वो रिवर्स चार्ज बेसिस पर टैक्स पे करेगा। ठीक है, सबसे पहले जो सर्विस सबसे ज्यादा यूज होने वाली है वो है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। इस सर्विस के ऊपर अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है पूरा, इस पे नेक्स्ट वीडियो हम लाने वाले हैं जल्दी। इसके ऊपर जो रेट्स अप्लाइड होते हैं वो 5% 12% रहते हैं, और उसमें भी कॉन्सेप्ट अलग अलग है, विद आईटीसी विदाउट आईटीसी। दूसरा है लीगल सर्विस, लीगल सर्विस जस्ट लाइक एन एडवोकेट्स की सर्विस यहाँ पर कवर होती है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सर्विस, रिकवरी एजेंट्स की सर्विस, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट या फिर ऐसे कोई भी पर्सन, स्पॉन्सरशिप की सर्विस, इसके अंडर भी अलग अलग कैटेगरी स्पेसिफाइड है, सर्विस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी, इनके अंडर भी लिस्टेड है कि केवल केवल पर्टिकुलर सर्विस ही इस आरसीएम के अंडर में टैक्सेबल होगी। सर्विस ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स और FSI, लीजिंग सर्विस, सर्विस बाय डायरेक्टर्स, इंश्योरेंस एजेंट्स, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स, बिजनेस फैसिलिटेटर्स, सर्विस बाय एजेंट्स ऑफ बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट। एक तरह से हम यहां पर वाइडली कवर करें तो एजेंसी सर्विस को कवर किया गया है, वहां पर लिखा गया है एजेंसी सर्विस। अब इसके अंडर में काफी अलग अलग एजेंसी सर्विस को कवर किया गया है। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी सर्विस, सर्विस बाय ऑथर, मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमेटी, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज। तो हम यहाँ हमारी जो मेन इंपॉर्टेंट सर्विस है वो आप नोट कर लिए, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आप GTA यूज कर रहे होंगे, लीगल सर्विस किसी एडवोकेट्स की सर्विस या फिर सेम कोई ऑथराइज पर्सन उनकी सर्विस, रिकवरी एजेंट्स कोई भी एजेंसी सर्विस, कंपनी के इसमें डायरेक्टर्स की सर्विस, लीजिंग सर्विस, इंश्योरेंस एजेंट्स की सर्विस, डायरेक्ट सेलिंग हो सकता है नहीं हो सकता, सिक्योरिटी सर्विस, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज। तो ये कुछ बेसिक सी सर्विस है जो कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आप यूज कर रहे होंगे, तो आप RCM का इसमें स्पेशली ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट केस हमारा आता है जहां पर इंपोर्टर की बात की जाती है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। ठीक है, तो उस केस में यहां पर मैं आपको बता देता हूं उसके जो प्रोविजन है वो जिस तरह से है। सप्लायर कोई भी होगा, सप्लायर कौन होगा, कोई भी ऐसा पर्सन जो कि नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है, मतलब जो इंडियन टेरिटरी है जहां पर GST अप्लाइड होता है, उससे बाहर से वो सर्विस इंपोर्ट हो रही है। तो सप्लायर पर्सन कौन है, जो इंडिया के बाहर से है, हम यहाँ पर उसको वर्ड नॉन टैक्सेबल टेरिटरी यूज करेंगे क्योंकि टैक्सेबल टेरिटरी में इंडियन पार्ट के साथ साथ कुछ स्पेसिफाइड एरिया भी होता है, तो हम यहाँ पर टैक्सेबल टेरिटरी के बाहर से जो भी एरिया है नॉन टैक्सेबल टेरिटरी वाला वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। मतलब वो पर्सन बाहर से है और रिसीवर यहाँ पर इंडिया के अंदर है। एनी पर्सन लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी अदर देन द नॉन टैक्सेबल ऑफ द ऑनलाइन रिसिपिएंट। ठीक है, तो ये ऑनलाइन सर्विस है, इसमें जब सर्विस को इंपोर्ट किया गया है तो उसके लिए स्पेसिफाइड सर्विस यहाँ पर नोटिफाइड की गई है कि उसके ऊपर RCM अप्लाइड होगा। दूसरा आता है सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल फ्रॉम द प्लेस आउटसाइड इंडिया अप टू द कस्टम स्टेशन ऑफ द क्लियरेंस इन इंडिया। तो उसके मिड में जो भी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, जैसे ओशन फ्रेट हो गया, अलग अलग काफी सारी सर्विस होती हैं, तो उसमें सप्लायर कौन है, ए पर्सन जो कि लोकेटेड है नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, और रिसीवर कौन है, इंपोर्टर। ठीक है, जो कि टैक्सेबल टेरिटरी के अंडर में आता है। सेम उसी तरह से यहाँ पर ऑनलाइन सर्विस की बात हो रही है, यहाँ पर कस्टम्स रिलेटेड सर्विस है। ये दोनों सर्विस ऐसी हैं जहां पर स्पेसिफाइड किया गया है कि इनके केस में RCM अप्लाइड होगा ही होगा। तो जो सर्विस रिसीव करने वाला पर्सन है वही यहाँ पर टैक्स जमा भी करेगा और उसको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, एक ये पॉइंट है, ये आप नोट कर सकते हैं। नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट मींस एनी गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी, एन इंडिविजुअल और एनी अदर पर्सन नॉट रजिस्टर्ड एंड रिसीविंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विस इन रिलेशन टू एनी पर्पज अदर देन द कॉमर्स, इंडस्ट्री और एनी अदर बिजनेस और प्रोफेशन लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। तो ये एक नोट है इस सर्विस के रिगार्डिंग में, स्पेशल नोट है RCM एप्लीकेबिलिटी के रिगार्डिंग। ठीक है, चलिए अब ई कॉमर्स कॉपरेटर का एक कॉन्सेप्ट है वो भी आप देख लीजिए, उसके लिए भी स्पेसिफाइड है
सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के अंडर में जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ओला, उबेर, तो इस टाइप के जो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं क्योंकि ई कॉमर्स की सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, तो उसके केस में क्या होता है कि ई कॉमर्स जो ऑपरेटर्स हैं उनके लिए मैंडेटरी किया गया है कि वो एज एन रिसिपिएंट उसके बिहाफ पे सर्विस जो जीएसटी है वो चार्ज करेंगे और फिर इसको डिपॉजिट करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे आप जो भी ऑनलाइन ई कॉमर्स ऑपरेटर है, जब आप उनसे कोई भी एक्टिविटीज करते हैं तो उसके में जो ट्रांसपोर्टेशन की अगर कोई भी कॉस्ट लग रही है तो उस पर जीएसटी चार्ज होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड एक्टिविटी पे। ऐसा नहीं है कि जो पर्टिकुलर गुड्स है, देखिए जो पर्टिकुलर गुड्स आप सामान कोई भी खरीद रहे हैं, जैसे कि आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट से खरीदते हैं, तो उसमें फॉरवर्ड चार्ज ही अप्लाइड होता है। जो सामान बेचने वाला होगा उसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया होगा, वो जीएसटी चार्ज कर रहा होगा। बट इन द मीन टाइम जो ये मिड में जो ट्रांसपोर्टेशन की जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस हो गई, तो उस केस में क्या होता है कि जो रिसीवर पर्सन है, मतलब जैसे ओला हो गया, उबेर हो गया, वो बीच में ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो उनके ऊपर लायबिलिटी ये स्पेसिफाइड की गई है कि वो जब प्रोडक्ट सेल करेंगे या फिर सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो वो जो प्रोडक्ट या सर्विस होगा उसके ऊपर उनकी जिम्मेदारी आएगी कि वो एज एन रिसिपिएंट ऑफ सर्विस आरसीएम में कवर करते हुए अपनी जीएसटी को जमा करें। बट जैसा हम देखते हैं कि अमेजोन या फ्लिपकार्ट के केस में क्या रहता है कि वो क्या करते हैं कि जो कोई भी अगर पर्सन उनके थ्रू अपना सामान सेल करना चाहते हैं, सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, पहले ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, उसके लिए अलग प्रोसीजर है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वहां पर एंटर करने के बाद, वो भी नॉर्मल जीएसटी कंपोजिशन में अलाउड नहीं होता है, तभी आप एक्टिविटी स्टार्ट कर पाएंगे, मतलब एज एन सेलर रजिस्टर कर पाएंगे। तो इसीलिए ये रूल बनाया गया है, उसको फॉलो करते हुए वो फॉरवर्ड चार्जेस लगा देते हैं। बट कुछ ऐसे सर्विस भी रहती हैं जो कि हिडन है, उसके केस में उनको ही चार्ज करके ये जमा कराना पड़ता है, ठीक है। तो ये वाइड कॉन्सेप्ट हो गया, जैसे मेक माई ट्रिप हो गया, ओयो, ओला, उबेर, या जो हाउस कीपिंग की सर्विस हो गई, जैसे अर्बन कंपनी, या फिर ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, तो उनके केस में उनकी लायबिलिटी आती है कि वो जमा कराएं। हालांकि ये नॉर्मल आप एज ए नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बट लेकिन एक कॉन्सेप्ट है ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए सेपरेट, तो मैंने कवर कर लिया है। जितने भी इस टाइप के बिजनेस हैं वो ये एक्टिविटी जरूर करेंगे। अब हम गुड्स के केस में चलते हैं। गुड्स स्पेसिफाइड है जो कि नोटिफिकेशन के थ्रू उनको नोटिफाई किया गया है। रिसीवर कोई भी पर्सन हो सकता है, ठीक है। लॉटरी केस में तो स्पेसिफाइड पर्सन होते हैं, इसमें कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट एज सच नहीं होती है, बट बाकी सारे लिस्ट जो भी हैं वो यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। अब देखिए एग्रीकल्चरिस्ट, तो लॉ मेकर ने क्या किया है कि एग्रीकल्चरिस्ट एक किसान है, वो कहाँ पर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेंगे, उससे बेटर है कि जो पर्सन है, जो रजिस्टर्ड पर्सन है, वो इस एक्टिविटी में डील कर रहा है, तो उसके ऊपर इन्होंने लाइबिलिटी डाल दी कि आप ही इसमें आरसीएम को फॉलो करते हुए जीएसटी जमा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, उसे नेक्स्ट आ गया, फिर उससे नेक्स्ट, लॉटरी केस में तो स्टेट गवर्नमेंट के पास राइट्स रहते हैं, तो ये तो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो उसके लिए ब्रोकर होते हैं स्पेसिफाइड, तो इसमें कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं होता है, हालांकि बाकी और केस में सारे नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन ही अप्लाइड होते हैं। यूज व्हीकल्स इनके केस में हो गया, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट, ये एग्रीकल्चर, मतलब जो भी एग्रीकल्चरिस्ट है उनसे रिलेटेड जो एक्टिविटी है वहां पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी में भी कुछ स्पेसिफाइड गुड्स को ही अभी तक नोटिफाई किया है। धीरे धीरे कवरेज वाइड होता जाएगा तो और बाकी सारी चीजें भी इसमें कवर हो जाएंगी। अब इसके बाद क्या आता है, कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं वो आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि जो एक कॉन्सेप्ट था कि 5,000 रुपए से ज्यादा की जब आप बाइंग करते हैं किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो शुरू शुरू में जब ये कॉन्सेप्ट आया था 2017 में, केवल अक्टूबर 2017 तक ही अप्लाइड हुआ था, उसके बाद ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, और ये फर्दर ऑनवर्ड्स कैंसिल है जब तक कि नोटिफाइड नहीं हो जाता कि अगर आप 5,000 से ज़्यादा का सामान अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदते थे तो फिर आपको आरसीएम में टैक्स देना पड़ता था। तो कॉम्प्लेक्सी इस चीज़ में ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती, उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने भी ये प्रोविजन्स ड्रॉप किए हुए हैं। जब तक ये प्रोविजन्स नहीं आते हैं तब तक आप आराम से केवल नोटिफाइड गुड्स
और सर्विस की जो लिस्ट है उसके बेस पर ही इसको फॉलो करेंगे। नेक्स्ट आता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, वो मैंने पहले अपनी जब वीडियो प्रोवाइड की थी किन केसेस में जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है, मैं यहाँ पर फिर दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ। अगर वो कोई भी ऐसा पर्सन है एज एन बिजनेस एंटिटी, वर्ड आप ध्यान से देखिएगा, जो कि जीएसटी पे करने के लिए लायबल है, ठीक है, अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। अब वो कौन से रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, जो कि सर्विस या लिस्ट नोटिफाइड है, तो उन्हें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट आती है, और उनके लिए जो 20 लाख या 40 लाख की लिमिट है, कुछ केस में जो है 10 लाख और 20 लाख भी है, तो आप उसको इंक्लूड लेके चलेगा, वो वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, तो वो अप्लाइड नहीं होगी और आपको फाइनली कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अगर आप ये नोटिफाइड सर्विसेज या गुड्स में डील करते हैं एज एन बिजनेस एंटिटी। अगर पर्सनल आप यूज कर रहे हैं तब आपको नहीं लेना है। आरसीएम का इनवॉइस, ये देखा जा रहा है काफी टाइम से कि जो केसेस लग रहे हैं अभी जीएसटी में, जो केसेस लग रहे हैं उसमें क्या हुआ है कि जो आरसीएम के प्रोविजंस है उसको आपने फॉलो तो कर लिया, बट लेकिन आपने इसकी इनवॉइसिंग नहीं की, तो जीएसटी में जो इनवॉइस वाला प्रोसीजर है कि आपको इनवॉइस क्रिएट करके रखना है, वो क्या प्रोसीजर है कि आपने कितनी पर्टिकुलर वैल्यू पे कितना जीएसटी जमा किया है किसी सामने वाले पर्सन के लिए। वो सामने वाला पर्सन है, ठीक है, वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, बट लेकिन उसके केवाईसी तो आपके पास रहेंगे ना, कि आधार कार्ड या पैन कार्ड, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि आरसीएम की एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो वो आपको कलेक्ट करके रखना है और उसके बेस पे सेल्फ इन्वॉइसिंग करके रखें तो बहुत ज्यादा बेटर है। जैसे आपने किसी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से कोई भी सामान लिया तो उसका एक आप इनवॉइस क्रिएट कर ले, और इनवॉइस क्रिएट करना काफी आसान है किसी भी एक्सेल में, या काफी सारे ऑनलाइन फ्री सॉफ्टवेयर्स हैं वहां पर जाकर आप क्रिएट कर सकते हैं, बट एक आपको डाटा लॉग क्रिएट करना है और फाइल में मेंटेन करना है कि वो जो सर्विस या जो भी गुड्स है वो आरसीएम के अंडर में आती है, और आप एज एन जीएसटी की जो कंप्लायंस है उसमें आपको ये चीजें प्रॉपर तरीके से फाइलिंग में मेंटेन करनी है, ठीक है। अब इसमें क्या दिक्कत आ रही है, जब डिपार्टमेंट से नोटिस आते हैं तो उसमें ये पेपर की रिक्वायरमेंट आती है कि सर आपने जो आरसीएम के प्रोविजंस को कंप्लाइड किया है उसके जो इनवॉइस हैं वो एक बार आप वेरीफाई करा दीजिए किस पर्टिकुलर पर्सन से कितना सामान आपने लिया है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज की डेट में आधार कार्ड या पैन कार्ड नहीं हो उस सामने वाले पर्सन के पास, तो उसके बेस पे सिंपल सा इनवॉइस, क्या नाम है उनके नाम से, उनके एड्रेस से एक सिंपल सा इनवॉइस आपको बना लेना है, कितने रुपए की वैल्यू है, उसमें जीएसटी की डिटेल्स डालने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो सेल्फ इनवॉइसिंग करके आपको रखनी है, आरसीएम की जो भी इनवॉइस है उसकी फाइलिंग भी मैंडेटरी है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने केवल यहाँ पर किसी भी सॉफ्टवेयर में एंट्री की, बीजीए टैली में टैक्स जमा किया और कंप्लीट हो गया काम, तो इनवॉइसिंग आपको करके रखनी है। इसमें मैंने आपको काफी हद तक काफी आरसीएम के बारे में सब कुछ कवर किया है, बेसिक प्रोविजंस को कब लगता है, कैसे लगता है, कब इसमें आपको टैक्स जमा कराना होता है, इससे बचने के लिए इसमें क्या किया जा सकता है, इससे बचने के लिए इसमें आप ये जो स्पेसिफाइड सर्विस या गुड्स हैं वो आप रजिस्टर्ड पर्सन से ले सकते हैं, बस इससे बचने का यही एक तरीका है कि अगर आप आरसीएम से बचना चाहते हैं तो आप ये काम कर सकते हैं कि सर आप जो भी सर्विस रिसीव कर रहे हो, आप जिस पर्सन से रिसीव कर रहे हैं उसके ऊपर फॉरवर्ड चार्ज अप्लाइड हो रहा है, वो फॉरवर्ड चार्जेस में अपना टैक्स जमा करा रहे हैं प्रॉपरली, तो अगर उसने टैक्स जमा करा दिया है तो फिर आप आरसीएम से बच सकते हैं कि हाँ देखिए सर इस प्रॉपर इनवॉइस पे हमारे पास टैक्स आया था, ये फॉरवर्ड चार्जेस का इनवॉइस था और हमने इसको टैक्स के साथ पेमेंट की है, क्योंकि ये प्रैक्टिस भी फॉलो हो रही है। जो पर्सन आरसीएम से यहाँ पर अपने आप को सेव करना चाहते हैं वो जो इनवॉइस है वो सामने वाले सप्लायर से ही बोल देते हैं कि सर आप हमें टैक्स इनवॉइस दे दीजिए इस पे जीएसटी फुल रेट से चार्ज करते हुए, जिससे कि आपको आरसीएम के प्रोविजंस फिर फॉलो नहीं करने पड़ेंगे। हालांकि आरसीएम के प्रोविजंस में ये लिखा हुआ है कि ये स्पेसिफाइड गुड्स या सर्विस है तो उस केस में आपको ये फॉलो करने मैंडेटरी रहते हैं, वो तो मैंने आपको बता दिया है, बट अगर कोई सामने वाला पर्सन है और सामने वाला पर्सन ही जीएसटी में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, उससे आप सर्विस ले रहे हैं, वो टैक्स सरकार के पास जमा हो रहा है जीएसटी, तो कहीं भी रेवेन्यू लीकेज नहीं है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम फ्यूचर में आपको नहीं आने वाली है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इसका बेनिफिट सभी को मिल सके, टाइमली अपने कंप्लायंस को आप करिए। मेरे चैनल पर काफ़ी सारे वीडियो आपको मिलेंगे जीएसटी फाइलिंग से रिगार्डिंग, रजिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग, कुछ कंप्लायंस पार्ट को भी इसमें कवर किया गया है,
चैनल को आप सब्सक्राइब करें या ना करें, पर वीडियो जरूर देखें, आपके बेनिफिट के लिए वीडियो अपलोड किए गए हैं। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।